हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए। आज हम आपको बताने वाले हैं डीफ हंटर 3D मेटल डिटेक्टर के बारे में, जो कि ये मेड इन टर्की का है और इसमें आपको 2 साल वारंटी के साथ ये मशीन मिलेगा। और ये आपको हम बताने वाले हैं आज कि कैसे इसे ऑपरेट करना है। तो हमारे मिथिलेश विश्वकर्मा जी हैं, ये आपको अभी बताने वाले हैं कि कैसे इसे यूज करना है। तो आइए हम देखते हैं। अभी थोड़ा नजदीक लाइए कैमरे को, मैं आपको दिखा दूं कि ये मशीन हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। अभी ये डीप हंटर आपका स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले हमें ग्राउंड बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो ग्राउंड बैलेंस से इसमें इजीली बन जाता है, लेकिन अभी चूंकि हाई मिनरल्स एरिया है, ये हर जगह मेटल है, तो अभी हम ग्राउंड बैलेंस आपको थोड़ा इसे पीछे करूँ और पीछे जाओ। ग्राउंड बैलेंस इसीलिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अब जब हम कोई मेटल इसके नजदीक से ले जाते हैं तो ये इसके साउंड करता है, ठीक है, और ये छोटे मेटल को भी बहुत अच्छे से कैच करता है। तो अभी इसका मैंने सेंसिटिविटी लगभग 70% ही रखा है, 30% कम कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मशीन है, कोई भी मेटल आसपास दूर तक ही कैच करती है, छोटे मेटल को भी काफ़ी डीप में कैच करती है, तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी कम कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इधर नॉन फेरस बता रहा है, ठीक है, मेटल है एंड नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये लोहे का एक ग्लास है, इसे हम अगर लगाते हैं तो ये देखिए मेटल एंड फेरस बता रहा है। और हम इसे स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन करने के लिए हमें यहाँ पर एक बटन दिया गया है, थोड़ा दूर से करेंगे तो आएगा, इसे हमें पुश करना पड़ेगा और ये मेटल को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी मेटल का होगा, फेरस मेटल दिखा भी रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फेरस मेटल दिखा रहा है। और हम एक दूसरा मेटल भी स्कैन करके देखते हैं, स्टॉप करना है, ये एक नॉन फेरस कॉपर का मेटल है, इसे हम स्कैन करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मेटल को दिखा भी रहा है, नॉन फेरस लिख के आ रहा है। अगर हम इसकी डेप्थ जानना हो तो हमें यहाँ पर एक डेप्थ की बटन है, पहले हम यहाँ से इसे रीसेट करते हैं और ये डेप्थ की बटन पर जाएंगे। यहाँ पर जो भी मेटल का साइज होता है उसे लेंथ, विड्थ एंड लेंथ उस पर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आप यही बटन जो जिससे हम स्कैन किए हैं, इसी बटन से हमें दोबारा से प्रेस करके मेटल के ऊपर से इस प्रकार से ले जाना होता है। ये देखिए, तो यहाँ पर ये डेप्थ भी बता देता है, 30 सेंटीमीटर से कोई मेटल अभी मैंने पास किया तो उसका डेप्थ बता रहा है। इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा मशीन है, उसके साथ 4 कॉइल आता है और ये आपको लगभग 10 से 15 फीट तक डेप्थ आसानी से दे सकता है, अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो। और छोटे भी ऑब्जेक्ट के लिए भी इसमें नगेट हंटिंग के लिए, हाई मिनरल सॉइल के लिए भी बहुत सारी 2 कॉइलें दिए हैं, जो कि आप उससे भी छोटे छोटे नगेट्स को और बीच पर भी जाके आप उसे अच्छे से स्कैन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा सर, जो भी हो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर परचेज करना हो तो नीचे हमारा नंबर भी शो कर रहा है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।